हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप फाइनेंस कैटेगरी का यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे भी तीन यूट्यूब चैनल हैं। एक मेरा किराना शॉप से रिलेटेड है जिस पर मैं अदर बिजनेस के बारे में ही बताता हूँ, और दूसरा मेरा ये फाइनेंस का है और एक मेरा ब्लॉग चैनल है। तो दोस्तों इस वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं तो उनका आपको जवाब मिल जाएगा, और वही अगर आप जवाब पा लेते हैं तो आप भी अपना फाइनेंस कैटेगरी का यूट्यूब चैनल बनाकर लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आपके 5000 सब्सक्राइबर भी है ना, और किसी के अगर मिलियन में भी है, तो 5000 सब्सक्राइबर पर भी आप ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं किसी के मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों इसीलिए अभी के टाइम पर फाइनेंस कैटेगरी में बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और इस फील्ड में कंपटीशन भी अभी होता जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे जो 5 सवाल है ना, तो वो ये है। सबसे पहला सवाल, यूट्यूब पर फाइनेंस की वीडियो बनाकर लाखों रुपए पर मंथ कैसे कमाएं? या फिर दोस्तों इसी सवाल को हम घुमा के ऐसे भी कर सकते हैं कि यूट्यूब पर फाइनेंस कैटेगरी में कितना पैसा हमें मिलता है। दूसरा सवाल ये है, फाइनेंस कैटेगरी का चैनल किसे बनाना चाहिए? और तीसरा सवाल है, फाइनेंस की कैटेगरी में कंपटीशन कितना है? इसके बाद है, फाइनेंस की वीडियो बनाने के लिए डेली कंटेंट या फिर टॉपिक आपको कहां से मिलेगा? इसके बाद पांचवा सवाल ये है कि आपको इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट सलाह दूंगा। अगर आप YouTube चैनल रन करते हैं तो ये सलाह आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है। आप YouTube पर कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, आप हमेशा सक्सेसफुल ही होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 का जवाब ढूंढते हैं, वो ये है कि YouTube पर फाइनेंस कैटेगरी का चैनल बनाकर लाखों रुपए कैसे कमाएं। तो दोस्तों इसका मैं आपको जवाब कुछ ऐसे देना चाहूँगा कि YouTube पर पैसा कमाने के 2 सबसे बड़े सोर्स हैं। पहला ये है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपके वीडियो पर एड चलेंगे, और जब एड चलेंगे तो एड का आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपके वीडियोज पर 1000 व्यूज आते हैं, पैसा व्यूज का मिलता है, लाइक का नहीं मिलता, सब्सक्राइबर का नहीं मिलता। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लाइक करने से पैसा मिलता है, तो लाइक का भी नहीं मिलता। लाइक अगर आपकी वीडियो पर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि YouTube आपका वीडियो को सजेशन में भेजेगा, क्योंकि आपका वीडियो पसंद किया जा रहा है, ठीक है। तो उससे भी व्यूज ज़्यादा बढ़ते हैं अगर आपकी वीडियो कोई लाइक करता है। और अगर आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो उनके पास नोटिफिकेशन जाता है, तो वो चांस रहते हैं कि आपकी वीडियो को प्ले करें। तो सीधी सी बात है कि आपको जो पैसा मिलता है तो व्यूज का मिलता है। अब दोस्तों फाइनेंस कैटेगरी में जो आपकी वीडियो पर ऐड चलती है ना, तो गूगल एडसेंस से सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है फाइनेंस कैटेगरी में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने ही चैनल का कंपेयर करके आपको दिखाते हैं कि दोस्तों आप हमारे एक वीडियो को देख सकती हैं, ठीक है, और इस वीडियो को देख सकती हैं, तो दोनों वीडियो की आप अर्निंग भी देख सकती हैं कि मुझे कितनी हुई है। एक चैनल है मेरा जो फाइनेंस कैटेगरी का है, दूसरा ये वीडियो है तो वो दूसरी कैटेगरी का है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकती हैं, ये किराना स्टोर का मेरा चैनल है मान सिंह की शॉप के नाम से, तो ये उसका वीडियो है और ये फाइनेंस कैटेगरी का है। दोनों की आपने अर्निंग देख ली है कि कितना मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1000 व्यूज पर 4 या फिर $4.50 भी बन जाते हैं फाइनेंस कैटेगरी में। वहीं पर अगर आपका कोई दूसरा चैनल है, अगर आपका कॉमेडी का है ना, तो $1 बनने में 3000 लगभग व्यूज चाहिए, तब आपका $1 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 250 व्यूज पर ही $1 बन जाता है फाइनेंस कैटेगरी में। अब दूसरा इसमें ये आता है कि आपको मिलते हैं दोस्तों एप्लीकेशन प्रमोशन के लिए। अब शुरुआत में अगर आपका न्यू चैनल है ना, तो ये आपको नहीं मिलेंगे। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप किसी एप्लीकेशन को प्रमोट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत में कोई कंपनी कॉन्टैक्ट नहीं करेगी कि लो हमारे एप्लीकेशन का प्रमोशन करो। शुरुआत में ये आपको खुद से करना पड़ेगा। अब खुद से कैसे, जैसे कि ग्रो एप्लीकेशन है, शेयर मार्केट में काम करता है, तो ग्रो ऐप का आप प्रमोशन कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि लिंक दिया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपके लिंक से अगर कोई अकाउंट बनाता है ना, तो आपको ₹300 मिलेंगे एक अकाउंट बनाने के। इसी तरीके से आप अपस्टॉक का प्रमोशन कर सकते हैं, आप एंजल वन का प्रमोशन कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस कैटेगरी में आ रहे हैं ना, तो आप काफ़ी सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, काफ़ी सारी तो ब्रोकिंग कंपनी आई हैं जो आपको रेफ़र करने का पैसा देती हैं। इसके अलावा आपको और भी एप्लीकेशन मिल जाएंगे, तो आप शुरुआत में बता सकते हैं कि इस एप्लीकेशन से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें अपना अकाउंट बना लीजिए, लिंक दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों शुरुआत में ऐसे मैंने काम किया था और अभी भी मैं ऐसे ही काम करता हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एप्लीकेशन को पकड़ लेते हैं और उस पर वीडियो बना देते हैं और वो कहीं वीडियो आपका चलने लगता है और आपके डाउनलोड आ जाते हैं, तो आपकी यहाँ से अर्निंग शुरुआत में ही होने लगेगी, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा।
तब भी आने लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपका चैनल थोड़ा सा भी ग्रो करता है और आपके डाउनलोड आने लगते हैं, फिर आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, तो आप 30-35 हज़ार रुपये तो चैनल मोनेटाइज मतलब कि गूगल एडसेंस का ही आएगा, बाकी का जो पैसा है तो आपको ऐसे रेफर का मिलता रहेगा। और अगर आप ब्रोकिंग कंपनी का प्रमोशन कर देते हैं तो ब्रोकिंग कंपनी आपको कमीशन भी देती है, ठीक है, तो वो कमीशन भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से फाइनेंस कैटेगरी में आपकी अर्निंग 1 लाख रुपए तक इजीली हो जाती है। और फिर इसके बाद अगर आपके 5,000 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं और आपके पर वीडियो पर अगर व्यूज 1,000 भी आने लगते हैं ना, तब भी आपको कंपनी ऐड करने के लिए अपने एप्लीकेशन का आपको फंड दे सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ से फिर आपकी अर्निंग और ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये है इस पर अर्निंग के सोर्स। अगर आपका कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको खुल के बता दूंगा, आप हमें सिर्फ कमेंट कर देना, ठीक है, और नहीं तो फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। वैसे तो मैं सारी चीज़ें खुल के बता रहा हूँ, मैं आपको किसी भी डाउट में नहीं रखना चाहता। तो दोस्तों हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि फाइनेंस का यूट्यूब चैनल कौन बना सकता है। तो फाइनेंशियल चैनल कोई बना सकता है जिसको फाइनेंस के बारे में जानकारी हो। अब फाइनेंस के बारे में जानकारी या तो उसने कॉमर्स में एजुकेशन ली हो, या फिर वो टीचर हो, या फिर वो कोई एजेंट हो, या फिर वो ट्रेडर हो, ठीक है, या फिर वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हो, या फिर कोई भी फाइनेंस कैटेगरी हो सकती है वो उस फील्ड में हो। लेकिन दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ना तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है ना ही उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन है, तो क्या वो अपना यूट्यूब चैनल फाइनेंस कैटेगरी का बनाकर नहीं चला सकता? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि वो चला सकता है, और इसका एक एग्जाम्पल मैं हूँ, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल अभी छोटा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। एक एग्जाम्पल और है पुष्कर राय ठाकुर। एक खुद बोलते हैं कि मेरा फाइनेंशियल कैटेगरी से या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा फाइनेंस से दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन अभी के टाइम पर ये अपना चैनल चला रहे हैं। और दोस्तों मैंने भी जो ग्रेजुएशन है तो वो कंप्यूटर साइंस से की थी, लेकिन अभी के टाइम पर मैं इस चीज़ को हैंडल कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों इसका जवाब अब ये है कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं। आपका पास्ट जैसा भी गुजरा, अभी फोकस करिए आप प्रेजेंट टाइम में। अभी आप अपना 4 दिन का, ठीक है, आप अपनी गूगल की हिस्ट्री देख लीजिए कि आपने 4 दिन में लास्ट में क्या किया है। 5 दिन का देख लीजिए, 10 दिन का देख लीजिए, क्या आपने सबसे ज़्यादा सर्च किया है फाइनेंस, या फिर आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा है फाइनेंस, या फिर आपने सबसे ज़्यादा वीडियो देखे हैं फाइनेंस के। न्यूज़पेपर में आपका फोकस कहाँ पर रहता है? ये तो नहीं रहता यार विराट कोहली ने आज कितने रन मारे, या फिर नई मूवी कौन सी रिलीज होने वाली है, ठीक है। आप जब अखबार को खोलते हैं तो आपको कहाँ का मन करता है कि मुझे इसमें कौन सी खबर पढ़नी चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको चैनल भी उसी कैटेगरी का बनाना चाहिए। अगर इसका जवाब ये है कि मेरे मोबाइल में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम है, मुझे मिला है फाइनेंस, मैंने वीडियो सबसे ज़्यादा फाइनेंस के देखे हैं, आर्टिकल फाइनेंस के पढ़े हैं, मैंने फाइनेंस के बारे में नॉलेज ली है, दोस्तों आप अपना चैनल बना लीजिए फाइनेंस कैटेगरी का, आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन वहीं पर अगर आप मूवी सेक्शन निकल के आ रहा है कि यार इसमें सबसे ज़्यादा मूवी देखी गई हैं, या फिर सबसे ज़्यादा मूवी सर्च की गई हैं, दोस्तों आप मूवी के रिव्यूज करने लगी है। अगर आप टेक्निकल वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं, आप टेक्निकल का अपना यूट्यूब चैनल बना लीजिए। आप कॉमेडी देख रहे हैं, आप कॉमेडियन अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जवाब आपको इस तरीके से मैंने दे दिया। अब दोस्तों हम पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, वो ये कि फाइनेंस कैटेगरी में कंपटीशन कितना है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि शायद आपको लगता होगा फाइनेंस कैटेगरी में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, लेकिन मैं इस कैटेगरी में काम कर रहा हूँ तो जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल मिलते हैं। तो आप जिस कैटेगरी में भी यूट्यूब चैनल बनाने के लिए जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस कैटेगरी में शायद अभी नहीं है, लेकिन जब आप काम करने लगोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हमारा वीडियो तो चल ही नहीं पा रहा। मोटिवेशन आप जाओ बनाने के लिए काफ़ी सारे चैनल है, टेक में जाओ काफ़ी सारे चैनल है, अनबॉक्सिंग में जाओ काफ़ी सारे चैनल है, और ब्लॉगर तो दुनिया का हर बंदा है, ठीक है, अगर उसका यूट्यूब चैनल है तो ब्लॉग चैनल तो बना ही लेता है। तो दोस्तों कंपटीशन हर फील्ड में है, और फाइनेंस कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अभी के टाइम पर इसमें और भी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो अगर आप शुरुआत में अपना चैनल बनाओगे और आप अगर इंस्टेंट अर्निंग करना चाहते हैं तो आपकी इंस्टेंट अर्निंग नहीं होने वाली, आपको यहाँ पर 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का भी वेट करना पड़ सकता है। अगर आप एक बिगनर हैं, आप नया यूट्यूब चैनल बनाओगे, नए आप क्रिएटर बनोगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपसे मिस्टेक होंगी, लेकिन अगर आप उनको दिन ब दिन सुधारोगे तब भी दोस्तों आपकी 1 से 1.5 साल तक का समय लग सकता है यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट लेने में यूट्यूब ऐड के थ्रू। और यहाँ पर अभी मुझे एक बात याद आ रही है जो मैंने किसी से सुनी थी। तो मैं अपने जीजा जी के साथ दिल्ली गया था, तो हमारे जीजा जी एक दुकान से कपड़े ले रहे थे, तो उन्होंने मोबाइल में फ़ोटो दिखाया कि ये वाले बंदे पहने हैं ना कपड़े, इसके कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं। तो दुकान वाले ने कहा कि देखो भाई
दूसरे की गाड़ी, दूसरे के कपड़े और दूसरे की घरवाली, ये हमेशा अच्छी लगती हैं, अपनी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो दोस्तों यही है, अगर आप अभी फाइनेंस की कैटेगरी में नहीं है ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि फाइनेंस कैटेगरी में कंपटीशन कम है, लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे ना, तो आपको यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा लगने लगेगा। तो दोस्तों हम चलते चलते पॉइंट नंबर 4 पर आ गए हैं कि फाइनेंस की कैटेगरी में वीडियो बनाने के लिए हमें डेली टॉपिक या फिर डेली कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए तो अभी मैंने आपको बोला कि पास्ट टाइम में आपने कुछ भी किया हो, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। अगर दोस्तों पास्ट टाइम में आप भले ही सीए रहे हो, लेकिन अगर अभी के टाइम पर आप फाइनेंस की जानकारी नहीं रखते, तो आप अपना चैनल रन नहीं कर पाएंगे। वहीं पर दोस्तों मैं आपको और एग्जांपल दूं कि कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे साथ पढ़े थे, उनके 10वीं में मैथ में 100 में से 100 नंबर आए थे, 12वीं में वो अच्छे नंबर से पास हुए, लेकिन अभी के टाइम पर उन्हें जॉब नहीं है। उस टाइम पर तो उनकी तारीफ हो रही थी, लेकिन अभी के टाइम पर वो सक्सेस नहीं हुए, तो अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पहले लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। तो दुनिया ये देखती है कि आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कौन से क्रिकेटर की वैल्यू है, और पहला दोस्तों बनता है ट्रेंडिंग टॉपिक, और एक होता है दोस्तों सदाबहार, जिसके एवरग्रीन भी बोलते हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक वो टॉपिक होते हैं जिसमें कोई न्यूज होती है, अभी कोई लेटेस्ट खबर होती है, जिसको लोग आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, जहाँ से आना 10 दिन देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और कुछ होते हैं दोस्तों एवरग्रीन कंटेंट, जो कि आज देखा जाएगा और उस पर 10-20 व्यूज आ जाएँ, कल भी देखा जाएगा, परसों भी देखा जाएगा, उस पर व्यूज कम आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप करेंट टॉपिक पर बनाना चाहते हैं वीडियोज, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप गूगल ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल ट्रेंड आपको बताएगा कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, उस पर वीडियो बना सकते हैं। दूसरी चीज़, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आप दूसरों के वीडियो देखकर आइडिया ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको बनाना है लॉन्ग टाइम तक चलने वाला कंटेंट, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि लॉन्ग टाइम तक लोग क्या देखेंगे, कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग हमेशा सर्च करेंगे। ठीक है, शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये लोग हमेशा सर्च करेंगे। बैंक में FD कैसे करते हैं, ये लोग आज भी सर्च करेंगे, एक साल बाद भी सर्च करेंगे। और अगर आपको चाहिए कि हम ऐसे वीडियो बनाएं जो कि लॉन्ग टाइम तक चलें, तो दोस्तों इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बुक्स में जो तरीके दिए होते हैं पैसे सेविंग करने के, पैसे को ग्रो करने के, या फिर ट्रेडिंग करने के, तो वो स्ट्रेटजीज आपको बतानी पड़ेंगी अपने सब्सक्राइबर को, या फिर दोस्तों जो पहले से फाइनेंस क्रिएटर हैं आपके, उनके आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं कि ऐसे इनके कौन से वीडियोज हैं जिन पर मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। दोस्तों मिलियन में व्यूज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वीडियो लॉन्ग टाइम में सर्च किए जा रहे हैं, तभी किसी पर 14 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज हैं। जो कंटेंट होता है ना आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, ठीक है, तो उस पर मिलियंस में व्यूज फाइनेंस की कैटेगरी में बड़ी मुश्किल से आ पाते, नहीं तो उन पर लाखों में ही होते हैं। और मिलियन में होते भी है ना, तो 2 मिलियन होते हैं या फिर 1 मिलियन होते हैं, लेकिन अगर किसी पे 14 मिलियन है, 15 मिलियन है, या फिर 7 मिलियन है, या फिर 5 मिलियन है, तो दोस्तों ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमेशा चलते रहते हैं, तो आप भी उन कैटेगरी पर वीडियो बना सकते हैं। और दोस्तों एक तरीका और है जहाँ से आप टॉपिक फाइंड कर सकते हैं, और ये जो आप टॉपिक फाइंड करोगे ना, तो यहाँ से चांसेस रहेंगे कि आपका वीडियो सर्च में चला जाए, 90% चला ही जाएगा। तो दोस्तों वो टॉपिक ये है कि आप जो फाइनेंस के वीडियो देखते हैं, आप उनके कमेंट जाके पढ़ सकते हैं। तो कमेंट में लोग वो प्रॉब्लम कमेंट करते हैं जिनका जवाब काफ़ी सारी क्रिएटर ने नहीं दिया है। अगर दिया होता ना, तो वो यूट्यूब पर सर्च कर लेता। अगर वो बोल रहा है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए या फिर मुझे ये चीज़ जाननी है, तो दोस्तों आप उसको वो चीज़ समझा सकते हैं, उसको कमेंट में बता भी सकते हैं। अगर आपको जो नॉलेज है, ठीक है, तो उसको कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका नॉलेज बढ़ेगा। और फिर आप ट्राई करिए कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बना सकें, और आप उस टॉपिक पर वीडियो सर्च भी करें। अगर आपको मिलते हैं पहले से कुछ वीडियो बने, तो आप उनसे बेस्ट करने की कोशिश करें और अपना एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों इस टेक्निक का फॉलो अब मैं भी करूँगा, अभी तक मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, कुछ ही टाइम पहले पता चला है। ठीक है, तो दोस्तों ये टेक्निक काम करती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको YouTube चैनल बनाने के लिए कंटेंट भी मिल जाएगा, फिर आपको अच्छा कंटेंट रिकॉर्ड करना है। और शुरुआत में दोस्तों अगर आप फेस दिखा सको तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, अदरवाइज आप बिना फेस के भी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फेस के वीडियो बनाते हैं तो उन पर व्यूज कम आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी फेस वैल्यू बनेगी, जो आपके व्यूज होंगे या फिर जो व्यूअर होंगे तो वो आपके रेगुलर बनेंगे। अगर आप फेस नहीं दिखाओगे तो लोग आपको जानेंगे नहीं, दोबारा वीडियो आएगा वो उसको स्किप करके भी निकल जाएंगे। और दोस्तों अब मैंने आपको बताया था कि नंबर 5 पर मैं आपको बताऊंगा लाख रुपए की बात, या फिर एक फाइनेंस क्रिएटर के लिए
जो बात उसको हमेशा याद रखनी है या फिर गांठ बांध लेनी है। तो कहीं ना कहीं बात ये कि आपको फाइनेंस कैटेगरी की प्रॉपर नॉलेज रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपसे गलती से भी कुछ जाता है ना, तो किसी की ज़िंदगी भर की कमाई जा सकती है या फिर किसी की ज़िंदगी चौपट हो सकती है, और कोई व्यक्ति आपको अच्छे तरीके से फॉलो करता है तो यहाँ पर आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैच करनी पड़ेगी कि मैं ये जो बोलने जा रहा हूँ वो चीज़ सही है या फिर नहीं है। आपने बता दिया कि शेयर मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ठीक है, या फिर किसी भी एप्लीकेशन का आप प्रमोशन कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन फ्रॉड है, उसमें लोगों का पैसा फंस जाता है। तो जस्ट यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैनेज करनी पड़ती हैं, उसको मिलाना पड़ता है कि मैं जो डाटा बोलने के लिए जा रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं है, क्योंकि आपकी एक गलती किसी का करियर बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना फाइनेंस कैटेगरी का चैनल बना के उसे सक्सेसफुली रन कर सकते हैं और आप यहां से लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और मेरा भी फाइनेंस कैटेगरी का चैनल है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।